हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार गुप्ता और मेरे पाइथन सीरीज के तीसरे लेक्चर यूज़र इनपुट इन पाइथन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम रिपल डॉट आई टी यूज़ करने जा रहे हैं हमारे कोड को रन करने के लिए, और हमारा आज का सब टॉपिक्स है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, हाउ टू टेक इनपुट इन डिफरेंट डेटा टाइप्स, सम पॉइंट्स अबाउट लिस्ट, यूज़ ऑफ स्प्लिट फंक्शन एंड यूज़ ऑफ मैप फंक्शन फॉर मल्टीपल इनपुट, और हमारा अंतिम पॉइंट टेस्ट और स्किल्स, जिसमें कि आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आपको सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, वी यूज़ इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, इट टेक्स द इनपुट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो चलिए इसको हम लोग कोड करेंगे। एक्स इक्वल्स इनपुट फंक्शन, तो ये जो हमारा जो इनपुट होगा वो एक्स में स्टोर होगा, और प्रिंट योर इनपुट इज कॉमा एक्स। तो रन करके देखते हैं हम, 10 योर इनपुट इज 10, तो हमारा जो 10 जो है वो एक्स में स्टोर हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं। ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ये अभी कोई भी इंटीजर या फ्लोट फॉर्मेट में नहीं है, ये अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। जो हमारा 10 है वो स्ट्रिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू टेक इनपुट इन डिफरेंट डेटा टाइप्स, वी कैन डू टाइप कास्टिंग टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ इनपुट, इंट फंक्शन टू चेंज इनटू इंटीजर, फ्लोट फंक्शन टू चेंज इनटू फ्लोट और डेसिमल। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी अगर इनपुट को इंटीजर या फ्लोट में चेंज करना है तो वो इनपुट फंक्शन के अंदर एक इंट फंक्शन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इनपुट है वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो इनपुट जो जाएगा वो तो शुरू में यहाँ पे स्ट्रिंग में ही रहेगा, लेकिन इंट फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा जो एक्स में स्टोर होगा वो एक इंटीजर वैल्यू 10 स्टोर होगा। जैसे कि अगर हम इनपुट यहाँ पे 10 डालें तो हमारा जो एक्स में वैल्यू जाएगा वो एक इंटीजर 10 रहेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेसिमल डेटा को इनपुट करने के लिए। सम पॉइंट्स अबाउट लिस्ट, अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, दे मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अगर आपने सी पढ़ा होगा तो उसमें जैसे हमारा एरे होता है, बस उसी तरह हमारा लिस्ट भी कुछ मिलता जुलता है। तो जैसे कि अगर हमें कुछ लिस्ट बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ भी नंबर या फिर कोई भी स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं। लाइक अगर हम पहला लिस्ट बना रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो एरे में पहला एलिमेंट का हमारा इंडेक्स होता है 0, दूसरा एलिमेंट का इंडेक्स होता है हमारा 1, तीसरा एलिमेंट का इंडेक्स होता है हमारा 2, बस उसी तरह हमारा लिस्ट में भी होता है। तो अगर यहाँ पर हम एक लिस्ट बना है जिसका नाम एक्स है, और इसमें करीबन इसमें 4 वैल्यूज़ है, 4 एलिमेंट्स है, तो अगर हम लोग इसका प्रिंट करें अगर एक्स को, तो हमारा पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट 10, 20, 30, 40। अगर हमें पहला एलिमेंट प्रिंट करना हो लिस्ट का तो हम उसका इंडेक्स 0 होता है, तो एक्स 0, तो इससे हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा मीन्स 10। अगर हमें तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है यानी 10, 20, 30, तो हमें 30 प्रिंट करना है, तो हमारा ये इंडेक्स नंबर हो गया 2, 0, 1, 2, तो यहाँ पे हमें करना होगा एक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो हमारा आउटपुट हो गया 30। तो आपने लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जाना, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के बारे में हम लोग आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो स्प्लिट फंक्शन, यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन, तो स्प्लिट फंक्शन यूज टू स्प्लिट द वर्ड्स, we are using split function to take multiple input from the user, by default split function split the words from blank spaces। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमको split function लेना है, तो suppose मेरे पास एक string है, इसमें एक string में लिखा हुआ है this is a man, okay? तो अब हम चाहते हैं कि इस string को split करें, तो इस स्प्लिट कहाँ से करें, स्पेस से स्प्लिट करें। लाइक दिस हमारा एक अलग स्ट्रिंग बन जाए, इज हमारा एक अलग स्ट्रिंग बन जाए, ए अलग स्ट्रिंग बन जाए, मैन अलग स्ट्रिंग बन जाए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, वाई में एक्स का स्प्लिट रख दे रहे हैं,
वाई इजक्ल टू एक्स डॉट स्प्लिट फंक्शन, तो ये वाई में हमारा क्या जाएगा, वाई में हमारा दिस इज ए मैन अलग अलग एलिमेंट बन के जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं प्रिंट वाई। तो ये आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट दिस इज ए मैन, जहाँ जहाँ हमारा स्पेस था वहाँ वहाँ से हमारा स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया गया। तो दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, ए अलग हो गया, मैन अलग हो गया, चारों अलग अलग स्ट्रिंग बन गया। और इसमें भी हम लोग लिस्ट की तरह ही प्रिंट कर सकते हैं। सपोज हमें अगर मैन प्रिंट करना है तो मैन हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, जैसे दिस जीरो इज वन ए टू, मैन हमारा थ्री इंडेक्स पे है, तो वाई थ्री। तो इसको चलिए रन करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट मैन। तो इस स्प्लिट फंक्शन को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं स्प्लिट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं चलिए इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट फंक्शन से हमारा क्या होता है, कुछ भी इनपुट जा रहा था, एक एक चीज़ जा रहा था, तो उसी तरह अब इनपुट मन से एक एक आइटम जाता है, अब इनपुट डॉट स्प्लिट। तो इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करेगा कि कोई भी इनपुट अगर जा रहा है तो उसको ये ब्रेक कर देगा, जैसे कि अगर सपोज अगर मेरा इनपुट है, चलिए इसको रन कर देते प्रिंट एक्स। तो स्प्लिट फंक्शन जैसे ही इस अगर इनपुट होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही इनपुट हुआ वैसे ही जो भी स्ट्रिंग में आया उस सबको ब्रेक करेगा सारे स्पेसेस से और उसको एक्स में स्टोर करते जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें हेलो माय नेम इज मयंक, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा है इनपुट में वहाँ वहाँ से ब्रेक कर देगा। तो चलिए इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं हेलो माय नेम इज मयंक, चारों अलग अलग स्ट्रिंग बन गया जो कि एक्स में स्टोर हो गया। अगर हमको बस मयंक प्रिंट करना है तो देख सकते हैं ये कौन से इंडेक्स पे है, जैसे हेलो जीरो पे हो गया, माय वन नेम टू इज थ्री, मयंक हमारा फोर्थ इंडेक्स पे है, तो एक्स फोर। तो ओके मुझे तब फिर से लिखना होगा, तो आप देख सकते हैं हमारा मयंक आउटपुट हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा जो है फोर्थ इंडेक्स पे था, यानी फिफ्थ एलिमेंट था मयंक, इसलिए हमारा आउटपुट हुआ। तो चलिए अब आगे देखते हैं यूज ऑफ मैप फंक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है और काफी अच्छी चीज है यूज ऑफ मैप फंक्शन। सिंटैक्स इसका क्या है, मैप और फंक्शन में फंक्शन कॉमा इटरेबल, दिस मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ईच आइटम ऑफ एन इटरेबल एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द रिजल्ट। द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मैप फंक्शन विच इज ऑरिजिनली एंड मैप ऑब्जेक्ट देन कैन बी पास टू फंक्शन लाइक लिस्ट फंक्शन टू क्रिएट अ लिस्ट। मैं इसका सीधा कोड करके दिखाता हूँ आखिर इसका यूज क्या है। तो सपोज यहाँ मैं फिर से एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैप फंक्शन बना रहा हूँ। तो इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है, पहला है फंक्शन, दूसरा इटरेबल। तो हम लोग भी वही करते हैं, पहला फंक्शन को क्या लिखना है, जैसे इंट हम करते हैं, जो जो इनपुट होगा उसको ऑटोमेटिक ये इंटीजर में कन्वर्ट करते जाएगा, लाइक इनपुट डॉट स्प्लिट। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो इनपुट लेता था और इनपुट को स्प्लिट कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर हम वहाँ पे 10, 20, 30, 40 स्पेस दे दे के अगर इनपुट किए तो वो उसको बस स्प्लिट कर रहा था ब्रेक से, लेकिन वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही था। तो ये जो मैप फंक्शन है ये क्या करेगा कि स्प्लिट तो करेगा और साथ के साथ ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट भी करते जाएगा। तो चलिए आगे देखते प्रिंट, ये हमको पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मैप फंक्शन विच इज एन मैप ऑब्जेक्ट देन कैन बी पास टू फंक्शन लाइक लिस्ट। तो हम इसको एक लिस्ट फंक्शन से भी पास कर देते हैं लिस्ट। तो ये क्या होगा, अब लिस्ट बन जाएगा, ये पहले ये एक मैप ऑब्जेक्ट था मैप फंक्शन के थ्रू, अब ये एक लिस्ट बन गया। तो प्रिंट एक्स, अब चलिए इसको रन करते हैं, 10 20 30
40 इंटू, तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट 10, 20, 30, 40 ये एक इंटीजर फॉर्मेट में आया। आप देख सकते हैं अगर इसके पहले कुछ भी अगर हम लोग आउटपुट आ रहा था वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा था, इस बार नहीं है, ये हमारा एक इंटीजर फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है। ये क्या कर रहा है, पहले इनपुट ले रहा है, उसके बाद इसको स्पेस से स्प्लिट करते जा रहा है, और उसके बाद ये इंटीजर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया मैप फंक्शन से, और उसके बाद उसको एक लिस्ट बना दिया गया। तो उम्मीद है मैप फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्किल्स यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, ये दो क्वेश्चन को आप अपने कंप्यूटर पे खुद से ट्राई करें और अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।